अखिलेश मुखिया हत्याकांड आपने भी सुना होगा, बीजेपी के नेता भी उनकी हत्या कर दी गई। क्या हो रहा है अभी? अब हत्या हो रहा है ये विषय बड़ा नहीं है, प्रतिदिन का आंकड़ा है कि यहाँ हत्या हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड के मुताबिक है जो प्रतिदिन यहाँ हत्या हो रहा है। कि शिक्षक बहाली में लगता है कि पूरे देश में बिहार का जो स्थिति है सबसे, मतलब लोगों को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है, लेकिन सबसे बदतर स्थिति शिक्षा ही नीति का है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। हरीश सहनी जी, बिहार में लगातार घटनाएं हो रही है, आपराधिक घटनाएं, ऐसे में पटना का मामला है, नीलेश मुखिया हत्याकांड आपने भी सुना होगा, बीजेपी के नेता भी उनकी हत्या कर दी गई। क्या हो रहा है बिहार में? अब हत्या हो रहा है ये विषय बड़ा नहीं है। अब ये हत्या का श्रृंखला निरंतर बना हुआ है ये बड़ा विषय है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में रहकर वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवारी निभाने के साथ साथ जनता को भी इन विषयों पर ध्यान देना होगा। बिहार के आम आवाम को ये ध्यान देना होगा कि इसका निदान क्या है, उन्हें सोचना होगा। निदान तो एक होता है चुनाव, अस्थाई निराकरण के लिए, जैसे बीमारी के लिए कोई इलाज है कि हम दवा खाए ठीक हो गया, लेकिन अस्थाई के लिए योग जरूरी है, तब जाके निदान होता है। तो ये सरकार बदलना बिहार के आम जनता के लिए जरूरी। जनता राज बिहार आप इसे जनता राज मानते हैं, जहाँ प्रतिदिन का आंकड़ा है कि यहाँ हत्या हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड के मुताबिक है जो प्रतिदिन यहाँ हत्या हो रहा है। तो ऐसे में इसे जनता राज कह देते हैं यदि वो लोग, तो इस पर उन लोगों को विचार करना चाहिए। मैं बोलता क्या हूँ, इसलिए विचार उन लोगों को जरूर करना चाहिए। एग्जाम हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है शिक्षक बहाली को लेकर, ऐसे में नीतीश सरकार कह रही है हम बहाली करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों के प्राथमिक में जो है प्राथमिक शिक्षक वो नहीं बन पाएंगे। कि शिक्षक बहाली में लगता है कि पूरे देश में बिहार का जो स्थिति है सबसे, मतलब लोगों को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है, लेकिन सबसे बदतर स्थिति शिक्षा ही नीति का है। इसलिए विचार जरूर इन लोगों को करना चाहिए, ऐसा हम ठोस कदम उठावे जिससे बिहार के छात्रों को गुमराह नहीं होना पड़े। देखिए, बिहार की छात्रों को गुमराह न होना पड़े इसको लेकर हरीश सहनी आवाज़ उठाएंगे। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी, आपने सुना है, जमकर निशाना साधते नीतीश सरकार पर, तो वहीं आपराधिक घटना को लेकर क्या कुछ करते वो भी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।